Good morning, children. How are you, children? Today we will read chapter 4 in English. Okay. Amit kite means Amit ki patang. Okay. Let's see word meaning. पहले new words देखेंगे हम. Okay. Mask तो आप सब जानते हैं. ठीक है, मुखौटा जिसको हम कहाँ लगाते हैं, फेस पर. ठीक है, कलरफुल मीन रंगीन. ओके, कोर्स मीन श्रृंखला. और कोर्स मीन क्या होता है हमारा, जो हम बोलते हैं ना मेरा ही कोर्स रह गया, कोर्स वह भी एक कोर्स होता है और एक कोर्स ये भी होता है, इसका मतलब होता है श्रृंखला. ओके, क्राफ्ट मीन कारीगरी. बैम्बू मीन्स होता है बांस. ओके, डायमंड एक यहाँ पर सेप है जो अमित अपनी काइट को देना चाह रहा है. ठीक है, यानी कि त्रिवर्गी बोल सकते हैं, त्रिवर्गीय. डेकोरेट मीन सजाना. वेवी मीन लहरदार. मोस्टेक मीन मूछ. कर्ल्ड मीन मुड़ा हुआ. मोस्टेक मीन मूछ. लेट्स रीड. अमित इंजॉय द आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास एट स्कूल. ही लव्ड टू ड्रॉ एंड पेंट एंड मेक थिंग्स आउट ऑफ पेपर लाइक बोर्ड्स मास्क एंड कलरफुल चेन्स बट ही हैड नेवर मेक अ काइट. मीन्स जो अमित है वह स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट का क्लास इंजॉय कर रहा है. ठीक है, यानी कि स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट सीख रहे हैं, बना रहे हैं. ही लव टू ड्रॉ एंड पेंट, उसको ड्रॉ और पेंट करना बहुत पसंद है. ओके, एंड मेक थिंग्स आउट ऑफ पेपर, और पेपर से बनाने की चीज़ें जो पेपर से बनती है. ठीक है, लाइक बोर्ड्स, जैसे बोट हो गई, मास्क हो गया, कलरफुल चेन हो गई. ठीक है, ये सब उसने बनाया है स्कूल में, बट उसने कभी भी एक काइट नहीं बनाई. ठीक है, आज वो काइट बनाएगा. अमित आज क्लास में काइट बनाएगा. ठीक है, विल यू हेल्प मी मेक अ काइट फॉर मकर संक्रांति पापा. ही आस्क्ड, जब वो घर आता है तो अपने पापा से बोलता है कि पापा क्या आप मुझे काइट बनाने में हेल्प करोगे मकर संक्रांति पर. जब मकर संक्रांति होती है उस दिन काइट उड़ाते हैं ना, पतंग उड़ाते हैं. ठीक है, ऑफ कोर्स, यानी कि उसके पापा कहते हैं बिल्कुल. आई विल लेट अस गेट द मटेरियल्स टू मेक इट, रिप्लाइड हिज फादर. अमित के फादर ने कहा यस, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मुझे मटेरियल्स चाहिए. ठीक है, इसको बनाने के लिए किसने बोला, फादर्स ने, पापा ने, अमित के फादर ने बोला. ओके, एट द मार्केट दे वेंट टू अ शॉप वेयर अमित चूज अ ग्रीन पेपर टू मेक द काइट. और वह मार्केट में गए और अमित ने एक ग्रीन पेपर पसंद किया अपनी काइट बनाने के लिए. ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा. देन टू थिन बैम्बू स्टिक फॉर द फ्रेम, सम स्टिकी टेप टू फिक्स इट इन द काइट, इट ऑन द काइट एंड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग टू फ्लाई इट विथ. क्या और क्या लिया हमने, टू थिन, दो पतले बैम्बू स्टिक यानी कि बांस की लकड़ियां फॉर द फ्रेम करने के लिए, पतंग को उसको साइज देने के लिए, आकार देने के लिए. ठीक है, सम स्टिकी टेप और कुछ उसने चिपकाने के लिए टेप लिया, और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग यानी कि तार धागा लिया. ठीक है, आप सब जानते हैं ना पतंग उड़ाने के लिए चाहिए होता है मांजा. ठीक है,
तो ये सब उसने मार्केट से लिया. ओके, लास्ट एट ऑल ही बॉट सम वाटर कलर्स टू पेंट. और लास्ट में अमित ने कुछ वाटर कलर्स लिए उसको पेंट करने के लिए. दैट इवनिंग हिज फादर ड्रू अ डायमंड शेप ऑन द पेपर फॉर द बॉडी ऑफ द काइट एंड अमित कट इट वेरी केयरफुली. और इवनिंग में, उसी इवनिंग मतलब उसी शाम को, अमित के फादर ने एक ड्रू में एक ड्रॉ करा, बनाया डायमंड शेप वाले पेपर की बॉडी बनाई, ठीक है, उसको कट करा और अमित ने उसको काटा. पापा ने ड्रॉ करा, अमित ने काइट को कट किया, वो भी बहुत ध्यान से, वेरी केयरफुली. ओके, काइट कैसे शेप्स की है, डायमंड शेप की. ओके, डायमंड के आकार की, इनकी त्रिवर्गीय है. ओके, डायमंड में तो हीरा भी होता है ना, बट शेप्स भी होती है, ठीक है. हाउ डू यू वॉन्ट टू डेकोरेट इट, आस्क्ड हिज फादर. अब उसने कट कर ली काइट, फिर उसके फादर ने बोला कि आप इसको कैसे डेकोरेट करना चाहते हो, ठीक है. आई वुड लाइक टू पेंट अ पिक्चर ऑफ द सन, अमित ने बोला, मैं इस पर सन की पिक्चर ड्रॉ करना चाहूंगा, यानी कि पेंट करना चाहूंगा, ठीक है. वाई, आस्क्ड हिज फादर, उसके फादर ने कहा, वाई मीन क्यों, ठीक है. बिकॉज ग्रैनी सेज दैट मकर संक्रांति इज अ फेस्टिवल टू वेलकम द सन, यानी कि क्योंकि ग्रैनी मीन नानी कहती है कि मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल है वह सन, जब सन निकलता है उसका वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए हम उसको उस दिन मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं. किसने कहा, ग्रैनी ने, ग्रैनी मीन नानी. ओके, एंड आई वॉन्ट टू से हाय टू द सन इन द स्काई, और मैं सन को हाय कहूँगा, ठीक है. आप बोलते ना हाय, हेलो, ठीक है. देयर फोर अमित पेंटेड एन ऑरेंज सन विद अ चीयरफुल फेस. और अमित ने इसके बाद, इसलिए उसमें अमित ने क्या करा, एक सन, ऑरेंज कलर कलर का सन उस पर पेंट किया, एकदम मुस्कुराता हुआ, स्माइली फेस वाला, ठीक है. द सन हैड वेवी रेड हेयर दैट लुक्ड लाइक फ्लेम्स एंड अ फाइन ब्लैक मोस्टैक दैट कर्ल्ड अप एट द एंड्स. मीन्स क्या करा, एक सन क्या बनाया, बहुत एकदम सुंदर लहरदार, लहराता हुआ रेड हेयर बनाए, एकदम जो सन के हेयर कैसे थे, एकदम लहराते हुए, ठीक है, कर्ल घुंघराले, ठीक है. एंड ब्लैक यानी कि काली मूछ है, मोस्टेक मीन मूछ है, मोस्टेस मीन मूछ है, ठीक है. द कर्ल अप एंड, और मूछे भी कैसी थी, एकदम घुमाने वाली, घुमावदार मूछे भी कैसी बनाई, घुमावदार मुड़ी हुई मूछे, ठीक है. द नेक्स्ट डे अमित हेल्प हिज फादर टू अटैच द बैम्बू फ्रेम टू द काइट. और अगले दिन उसके फादर ने उसमें, जब उसने ड्रॉ कर लिया था, उसके फादर ने उसमें क्या करा, जो बैम्बू स्टिक थी ना, लकड़ी देखी है ना काइट में आप सबने, वो उसको फ्रेम कर दिया, यानी कि उसको आकार दे दिया एक, ठीक है, डायमंड शेप का आकार दे दिया. फाइनली अमित पास्टेड सम स्ट्रीमर्स टू मेक द टेल, द काइट वॉज रेडी. और अमित क्या रहा, पेस्टेड, ठीक है, पेस्ट किया उसने इसमें, पेस्टेड, अमित पेस्टेड सम स्ट्रीमर्स टू मेक द टेल. और स्ट्रीमर्स क्या है, ये देखिए जो लहराते हुए ना, ये काइट पर है ना, ये चीज, ये स्ट्रीमर्स है, इसको पताका बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रीमर्स जो डेकोरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. अमित ने उसमें चिपकाई, उसकी पूंछ बनाई, ठीक है, स्टीमर से उसकी पूंछ बनाई. द काइट वॉज रेडी, और काइट एकदम तैयार हो गई उड़ाने के लिए. ओके, लेट्स सी
What they mean? Mean, इनका मतलब क्या है? Okay. Materials, material mean things. यानी कि क्या क्या material, क्या क्या सामान लग रहा था kite बनाने के लिए. String mean होता है strong thread, यानी कि धागा, तार भी कह सकते हैं धागा. ठीक है, यहाँ पर धागा है ना, मांजा जो होता है. ओके. Cheerful mean happy. Flames mean waves of fire, यानी कि जो flames है आग की लहरें. Attach mean fix. Streamer means long colorful strips used for decorate, यानी कि लंबी सी जो उसने वो लिया था ना स्टीमर पताका, कलरफुल होती है, डेकोरेट करने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं. ओके ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.